तुम्हारे पंखुड़ियों का असर कम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मतलब गोगा वैद्य जी असली में बंदर है। चुप बुड़बक, आज तक हमरे जैसा फुर्तीला खूबसूरत और शक्तिशाली बंदर नहीं देखा। नहीं नहीं, अब हम मजाक कर रहा था, बस आपके जैसा पहना हुआ कपड़ा नौटंकी में देखा था। चोर बंदर, हमार पत्थर लौटा दे हमका। पर रहने वाले बंदर भले ही थोड़े शरारती हैं, लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं। जाओ, तुम यहाँ बिना इजाजत आए हो, इसीलिए फूलों की चुड़ैल ने तुम पर हमला बोल दिया। अगर वो बंदर हमें वक्त रहते नहीं बुलाता तो तुम में से कोई नहीं बच पाता। बिना इजाजत के यहाँ कोई नहीं आ सकता। गोगा जी, हम बिना इजाजत आपके इलाके में चले आए, हमें माफ कर दीजिए। गुरु जी को मैंने कमिटमेंट दी थी, इसीलिए मैं किसी की भी नहीं सुनता। झूठ मत बोलो, हम सब जानता हूँ। प्यार गोगा जी, कृपया हमारे गुरु जी को बचा लीजिए। हिमा कौनो बड़ी बात नहीं, लेकिन हमका लगता है कि वो घाव मामूली घाव नहीं। टीका वास्ते हम जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे गुरु जी जख्मी कैसे हुए, क्योंकि बिना कुछ जाने जाने अनजाने में हमने गलत अमृत दे दिया तो। हाँ, कितना बकबक करते हैं।
किसी रहस्यमय औरत ने जादुई टोटके से गुरुजी को जख्मी कर दिया। क्या कह रहे हो औरत? और जादुई मंत्र? गोगा जी क्या बातें बताओ। आज सुबह की ही बात है, पर्वत पर रहने वाले बंदरों की शरारत की वजह से उन पर किसी औरत ने जादुई मंत्र से हमला कर दिया था। अरे गुरुजी को भी औरत ने? हमें तो ऐसा लगता है ये वही औरत होगी। वो औरत तो होशियारपुर मठ का शरीर चुरा कर भागी है। वैद्य जी क्या आप बता सकते हैं वो औरत किस दिशा में गई है? ठीक से तो याद नहीं हमका, लेकिन उसे पश्चिम की तरफ जाते हुए देखा है। ई लो ये जादुई अमृत है, जाओ अब गुरुजी को बचाओ। शुक्रिया वैद्य जी। सुनो आकाश, मैं भी साथ चलूंगा, उसे मसल के रख दूंगा। ये लो अमृत। ठीक है, तुम चिंता मत करो, बड़े गुरुजी की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है। तुम्हारा शुक्रिया, मेरी तबीयत अब पहले से बेहतर है, मुझे बस आकाश की चिंता हो रही है। शेरू भी आकाश के साथ है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अनर्थ हो गया गुरुजी, बुरी खबर है। क्या हुआ? जौनपुर मठ के गुरुजी पर भी हमला हुआ है। ये कैसे मुमकिन है? ये सच है गुरुजी, उनकी हालत बहुत नाजुक है और हमलावर दरवाजे पर एक संदेश छोड़ गए हैं।